प्लेस है जहां आचार संहिता लागू होने के बावजूद अपराधी वारदातों को अंजाम देने में संकोच नहीं कर रहे। हद तो यह हो गई कि एक अधेड़ व्यक्ति को इसलिए चाकू मार दिया गया क्योंकि वह नदी के किनारे फ्रेश हो रहा था। मौके पर पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड ने 500 रुपए जुर्माने की बात कही। उक्त अधेड़ ने 50 दिया जिससे लेकर आरोपी गाली गलौज करते हुए मारपीट किया और जाते जाते चाकू घोंप दिया। घटना के बाद गंभीर हालत में पड़े व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने घर पहुंचाया जिसकी हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की बेटी ने बताया कि अचानक उन्हें फ्रेश होने की इच्छा हुई जिसके चलते वह नदी किनारे चले गए जहां बाबा घाट के पास उनके ऊपर हमला हुआ है। हद तो यह है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। खान उनको बड़ी पुल से आ रहे थे, वो विश्वकर्मा घाट के पास फ्रेश होके, मतलब उनको प्रेशर लगा हुआ, फ्रेश होके वो उतरे तो इतने में पुलिस वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कोई आया, मतलब उसी ड्रेस में था और बोला कि तुम यहाँ पे फ्रेश क्यों हुए हो, फ्रेश हुए हो यहाँ पे तुम्हें जुर्माना लगेगा 500 रुपये। पापा पिताजी मेरे बोले मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा, 50-100 रुपये ले लो, मुझे माफ़ कर दो, हो गई गलती मेरे से ही, अब गलती इंसान से ही होती है। तो बोले कि नहीं 500 ही दो। इतने में वो 50 रुपये पापा उसे दिए और फिर वो मार के उन्हें चला गया, छुरा भोग के चला गया और फ़ोन लेके चला गया। छुरा उनको इतना तेज से लगा रहा कि वो वेंटिलेटर में चले गए और उनको वहाँ मोबाइल भी छीन ले और उनको वहाँ से दो अनजान व्यक्ति लेके आए थे घर तक, फिर हम लोग उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल लेके आया। 2 दिन से जा रहे हैं सर पुलिस थाने पर, कोई रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक, कोई FIR नहीं हुई है। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पिताजी समोसे बेचने का कार्य करते हैं। मोबाइल वगैरह भी ले गए? मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल छीन लिए हैं। पैसा भी 1000 रुपए था, जितने लिए थे छीन लिए हैं। कितने लोग हैं क्या कुछ जानते हैं? 2 लोग के समथिंग बता रहे, 1-2 लोग थे बता रहे, वो बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायना परवीन है।